आप लोग जैसे 7 दिन तक विराजमान हैं, तो आप लोग इसी धारण में रहते हैं, वेशभूषा में भोजन पानी क्या रहता है, जैसे मसाला ऐसा कुछ है क्या, उपवास रहना पड़ता है। सोलापुरी माता के भक्त हैं, तो कैसे किस किस मौसम में जो है यहाँ विराजमान होती है माता? दसंगवारी हो, ये हरे खड़गपुर और यहाँ वहाँ थे माता पूजा, जो सोलापुरी माता पूजा होते है अपन साउथ हेमा तेन के पूजा जो है यहाँ हुआ था है। और ये देख सकते हो एक प्रवेश द्वार किस टाइप के बने, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब। तो चलो अंदर के नज़ारा आप मैंने दिखाता हूँ, आप मैंने दर्शन करा था सोलापुरी माता के दर्शन, और आप मैंने बताए थे बरो आप मैंने दिखा रहे हूँ भनपुरी में दिखा रहे हैं। और आज जो हम खड़गपुर में हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, तो खड़गपुर में किस प्रकार से माता पूजा होते है, मूर्ति किस प्रकार से जो है विराजमान है, तेला आप मैंने दिखाबो। और एक सोलापुरी माता के जो स्वागत करें से वीडियो आप मैंने दिखाया मैं यहाँ माता पूजा कैसे होते है कलकत्ता में तेला। तो चलो आप मैं आगे की वीडियो आप मैंने दिखाता हूँ किस प्रकार से जो माता विराजमान है वाला आप मैंने दिखाता हूँ। संगवारी हो, वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो लाइक करूँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करूँ। तो चलो आगे चल रहे हैं। तो संगवारी हो, हमारे अभी पहुँचे हैं आज खड़गपुर जहाँ माता पूजा हुआ था, जैसे हमारे साउथ है हमारा जो सोलापुरी माता की पूजा होते है वैसे टाइप के जो हमारे आज खड़गपुर में दर्शन करे और मिली समझला, और पूरा देख सकता हूँ भक्तगण मैंने यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चर्चा करबो यहाँ के बारे में और कब से जो है यहाँ पूजा हुआ था। तो यहाँ सोलापुरी माता विराजमान है ओकर बारे में जानकारी चाहबो। और अच्छा लगी से काबर कि हम जब भी रायपुर जाते हैं WRS जाते हैं, WRS में होता है WRS भनपुरी अपना छत्तीसगढ़ रायपुर में, वहाँ सोलापुरी माता पूजा होता है। तो यहाँ हमारे देखे और मिली से ऐसे लगी जना मना हम ना WRS आए हैं अपन रायपुर के, और पूरा देख सकता भक्तगण माला जय माता दी। आप लोग किस कैसे जय बुलाते हैं? मैं तो जय माता दी सिंपल है सब जय माता दी करके बोलते हैं, लेकिन आप लोग सोलापुरी माता के भक्त हैं तो कैसे किस टाइप का जय बोलते हैं आप लोग? जय माता दी ऐसा वही है नहीं। तो कब से जो पूजा पाठ चलता है ये? पूजा सोमवार से आया हुआ है, जो 3 दिन होने जा रहा है। अच्छा 96 है ना। ज़्यादातर यहाँ जो आप लोग सोलापुरी माता का पूजा करते हैं, मतलब किस प्रकार का निवास है आप लोग का? साउथ इंडियन है क्या आप लोग? है ना। और कब कब किस किस मौसम में जो है यहाँ विराजमान होती है माता? जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, मतलब साल में 2 बार होता है क्या, है ना माता पूजा? एक ही बार होता है ना, अप्रैल से लेके अगस्त तक माता पूजा हम लोग चलता है। अपने क्या रायपुर में ना WRS में पूरा साउथ इंडियन लोग है, वहाँ भी होता है, भनपुरी में भी होता है। तो देख कैसा लगा कल, जैसे परसों आप लोग जो स्वागत कर रहे थे माता का, तो मैं वो सोचा कि यार हम लोग वहीं आ गए छत्तीसगढ़ में जो WRS है ना वहाँ आ गए हैं। और कितने दिन तक रहते हैं? 7 दिन का पूजा है। 7 दिन सेवन। तो कैसा कैसा क्या होता है अन्ना बताइए आप, जैसे स्वागत करके लाते हैं माता को हम लोग यहाँ से 12 बजे सोमवार को 12 बजे 7 नंबर शंकर मंदिर है, वहाँ को माँ को लेके जाके वहाँ से बना के लेके आते हैं, लेके आते हैं अपने कॉलोनी में पूरा पूजा घुमाते हैं। और प्रतिदिन सुबह शाम जो है पूजा पाठ करते हैं। 7 दिन रहेगा? 7 दिन रहेगा, सोमवार को आया है रविवार को विसर्जन। अच्छा। विसर्जन भी जैसे झांकी निकलता है सेम जैसे हुआ है, डब्बू के साथ में पूरा अपना जो कॉलोनी है पूरा एरिया घूमते हुए माँ को ठंडा किया जाएगा। और कुछ बताना चाहेंगे माता के बारे में? जैसे हमने बस इतना ही, जय माता। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते हैं उनके बीच संगवारी हो, हम माता पूजा सोलापुरी माता पूजा खड़गपुर में विराजमान है देख सकता और दर्शन कर सकता। और बहुत सौभाग्य बात हुई से कि हम जो अभी आए हैं वो समय में जो है माता के दर्शन हुई से, आप मतलब शुरू के स्वागत वीडियो दिखाए हैं और बाद जो विराजमान है माता वो वीडियो आप मतलब दिखाता हूँ।
संगवारी हो, वीडियो अच्छा लगी ना तो वीडियो लाइक करूँ, चैनल सब्सक्राइब करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करूँ, जय माता दी जय जरूर करूँ। और पूरा भक्त मेला देख सकता तो आप लोग जैसे 7 दिन तक विराजमान हैं तो आप लोग इसी धारण में रहते हैं समय, और मतलब पूरा पंडाल के नीचे में ही रहते हैं नहीं? और आप लोग का भोजन पानी क्या रहता है जैसे? सादा खाना, सादा खाना नहीं, जैसे उपवास वाला ऐसा कुछ है क्या? उपवास रहना पड़ता है, माता लाने के दिन में उपवास रह जाता है, संडे को उपवास रहते हैं क्या? जैसे 7 दिन तक माता विराजमान है, विसर्जन करने के दिन में उपवास, बाकी नॉर्मल भोजन चलता है नहीं? देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ डेकोरेशन करे गए हैं, झाला लाइट वगैरह पूरा बढ़िया मस्त लगे हवा है, बहुत सुंदर होते संगवारी हो। माता पूजा, सोलापुरी माता पूजा के जो है विशेषता बहुत अलग है, आप मैंने एक बार जरूर WRS जाओ, WRS भनपुरी में भी होते, काबर की वो पति जो है पूरा साउथ इंडियन में निवास करते, और ये सोलापुरी माता पूजा जो है बहुत ही शानदार थे, बहुत बड़े मेला लगते WRS कॉलोनी में। तो ये है यहाँ के हम खड़गपुर महान अभी, और खड़गपुर में जो माता पूजा हुआ थे तेकर नज़ारा आप मन देख सकते हैं।